हेलो फ्रेंड्स, अभी मुंबई में लॉकडाउन की स्थिति सेम है और बारिश भी बड़ी तेज़ी से चालू थी। बाहर कहीं भी जाने नहीं हो रहा था और घर पे ही हमें खुद को एंटरटेन करा के रखना था और छोटे बच्चों को घर पे पकड़ के रखना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। सुबह उठते ही मेरा ऐसा ही दिन शुरू होता है। सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर यूजुअली मुझे चाय या कॉफ़ी पीने की आदत नहीं है सुबह, बट अभी सर्दी के मौसम में एक चाय और कॉफ़ी तो बनता ही है। उसके बाद होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्लांट्स के साथ मैं वक्त बिताती हूँ। हर किसी को प्लांटिंग में पैशन होना चाहिए बिकॉज प्लांट्स के साथ टाइम बिताना एक तरह का मेडिटेशन होता है। इससे हमारा जो दिमाग है उसको बड़ी शांति मिलती है। प्लांट्स जो होते हैं इसे लिविंग स्कल्पचर्स कहा जाता है, तो हर किसी ने अपना वक्त प्लांट्स के साथ ज़रूर बिताना चाहिए। इससे जो डिफरेंस होता है वो आप ज़रूर महसूस कर पाओगे। इस प्लांट को फिटोनिया कहते हैं या फिर सिल्वर नर्व भी कहा जाता है। ये बहुत ही एक अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इसे हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर्स भी रख सकते हैं। बहुत सुंदर दिखता है, इसे घर के किसी भी कोने में रख देंगे तो। शक्ति के साथ मुझे हर टाइम खेलना पड़ता है। जैसे ही उसके साथ खेलना हो जाता है मैं अपना काम करने जाती हूँ। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में पालक पूरी बनाया था। ये पालक पूरी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और इसका जो डिटेल रेसिपी है मैंने अपने ब्लॉग में पब्लिश किया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। बच्चों के डाइट में अगर पालक को इंक्लूड किया जाए तो उनको बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन का इश्यू नहीं होगा। और मेरी बेटी को पालक पूरी दे दे तो वो उसे प्लेन ही खा लेती है, उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके अंदर पालक है करके। पालक पूरी का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है टमाटर की सब्ज़ी। एक सिंपल सी टमाटर की सब्ज़ी काफ़ी है। गरम गरम पूरी को ये टमाटर की सब्ज़ी के साथ खा लो तो ब्रेकफास्ट में बहुत ही मज़ा आ जाता है। फिर जैसे ही लंच हुआ था मुझे कुछ चाइनीज़ रेसिपी खाना था। मुझे कोरियन स्टाइल फूड बड़े टेस्टी लगते हैं। जो कोरियन स्टाइल रेसिपीज़ रहते हैं वो थोड़ा स्पाइस कम रहता है और उसमें थोड़ा स्वीटनेस और टैंगीनेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये हम वेज वन पॉट रेसिपी बनाने के लिए रेडी हो रहे थे। शक्ति मुझे कोई भी जगह पे छोड़ती नहीं है, हर कोई जगह पे मुझे असिस्ट करने के लिए आ जाती है, भले वो किचन हो या प्लांटिंग हो या मेकओवर हो, हर कोई चीज़ में उसको इंटरेस्ट रहता है कि वो मेरे साथ आके हाथ बटाए। इस रेसिपी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, आप ज़रूर चेक करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल और क्विक, बड़ी ही आसानी से बन जाएगी ये रेसिपी। इसके लिए आपको सिर्फ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की ज़रूरत है और सिर्फ सोया सॉस की ज़रूरत है। बाकी के जो भी फ्लेवर्स रहेंगे वो वेजिटेबल से ही निकलेंगे, तो जितना ज़्यादा एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट निकलेगा। चाइनीज़ रेसिपीज़ जो होते हैं वो अक्सर लोहे के बर्तन में ज़्यादा टेस्टी आते हैं कंपेयर टू बाकी के जो भी नॉनस्टिक या स्टील बर्तन होते हैं। खाना कोई भी बर्तन में बनाओ बट
उसे खाने का मजा जो है ना, वो सिरामिक बर्तन में खाने का अलग ही मजा होता है। हमारे घर में सर्ववेयर के सारे प्रोडक्ट्स में सिरामिक्स यूज करती हूँ, तो ग्लास, बोल, प्लेट्स, ये सारी चीजें मुझे सिरामिक में खाना बहुत पसंद है, और सिरामिक कलेक्ट करना भी मुझे बहुत पसंद है। इवन इफ हम अगर अकेले खाना खा रहे हो, हमें उसे अच्छे से प्रेजेंट करके खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे खाने से ना हमारा जो सोल है वो भी फुलफिल हो जाता है। जैसे कहते हैं, हम अपने आंखों से पहले खाना खाते हैं और जुबान से बाद में। शाम होते ही हमने कपकेक्स बनाया। हम घर पे ही बेकिंग कर लेते हैं आजकल ये लॉकडाउन के वजह से, और शक्ति और मैं जब साथ में मिलके बेकिंग करते हैं तो बहुत मजा आता है। ये हम रोज मिल्क फ्लेवर्ड कपकेक्स बना रहे हैं विद बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, बहुत ही टेस्टी रहता है। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने मेजरमेंट के साथ अपने ब्लॉग में पब्लिश किया है, उसका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर चेक करके देखिएगा और ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बैठे बैठे डिनर का टाइम हो गया था और ये मैं कैप्सिकम और आलू का सब्ज़ी बना रही थी। बहुत ही सिंपल सब्जी है, शक्ति की वजह से मैं काफ़ी सिंपल वेजिटेबल्स ही बनाती हूँ। ये मैं जो पोटैटो है उसको बॉईल करके मैंने ले लिया है, और बॉइल्ड पोटैटो को ज़रा क्रिस्पी करके निकाल लेंगे, तो ये शिमला मिर्च और बॉइल्ड पोटैटो की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी रहती है। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ही मैंने बनाया है। जब भी हमें कोई भी सब्ज़ी को क्रिस्पी बनाना हो तो जो टमाटर होता है उसे टुवर्ड्स द एंड हमें डालना चाहिए, इससे जो वो सब्ज़ी की क्रिस्पनेस है वो रिटेन रहती है। और ऐसे सिंपल सब्जी मैं बनाती हूँ तो शक्ति खा लेती है, वरना वो नहीं खाती है। ये पिछले दिन का राइस थोड़ा बच गया था, उसका मैंने लेमन राइस बना दिया था। हमेशा लेफ्टओवर राइस से अगर हम फ्राइड राइस या लेमन राइस या टैमरिंड राइस जो भी बनाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। शक्ति को हमेशा रात को सोने से पहले स्टोरी सुन के सोने की आदत है, तो ये हमारा सोने का वक्त हो चुका था। यहीं पे हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।